प्रशासन और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक चल रही है। पुलिस मोदी की पूरी एक उनकी गैंग है ADCBI, उसके खिलाफ उसको उनका दोष मिलेगा। जिला है जिसको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर रही है और गिरफ्तार करके ले जा रही है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला को पुलिस प्रशासन उठा के ले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी देश में अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से और उनकी पार्टी से डर चुकी है। हम लोग डरने वाले नहीं है। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन चालू हो गया। साथ तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस प्रशासन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे थे। इनका कहना है केजरीवाल को ED पूछने के लिए जो ले गई है आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। तो आचार संहिता में इनको नहीं ले जाना चाहिए। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक चल रही है। पुलिस प्रशासन इनको उठा के गाड़ी में भरने की कोशिश करने के लिए उठा रही है। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं, उनसे बात भी करेंगे और उनको पूछेंगे पूरा मामला क्या है। सर, आप लोग को गिरफ्तार? हाँ बिल्कुल, हम लोग गिरफ्तारी देंगे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कभी तीखी नोकझोंक चल रही है। साफ तौर पर तस्वीरों में कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं किस तरीके से गिरफ्तार हो रहा है कार्यकर्ताओं का कहना। मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में शराब घोटाले को लेकर, वहीं कल रात ईडी ने पूछताछ के दौरान केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन चालू हो गया है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। आदर्श आचार संहिता लगी हुई है जिसके बीच ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस प्रशासन उनको उठा के ले जाने की कोशिश। महिला है जिसको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर रही है और गिरफ्तार करके ले जा रही है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला को पुलिस प्रशासन उठा के ले जा रही है इको गार्डन भेजने के लिए। साफ तौर से महिला पुलिसकर्मी महिला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ले जा रही है। इनका कहना है उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है, जिसको लेकर इस तरीके से प्रदर्शन इनका चल रहा है। इनका कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, किस तरीके से नहीं करना चाहिए जिस तरीके से इनके। हम यहीं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो बसों में मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, तेज बताएगा? और ये गिरफ्तारी एक छात्रों की युवाओं के खिलाफ गिरफ्तारी है। 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर पंजाब के अंदर समर्थन मिलेगा और इस तानाशाही के खिलाफ मोदी की पूरी एक उनकी गैंग है ADCBI, उसके खिलाफ उसको उनका दोष मिलेगा। जब जब समय बदलता है सबकी तानाशाही बदलती है। इंकलाब जिंदाबाद। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पहले से शराब घोटाले के मामले में जेल में, अब केजरीवाल को भी ED ने पूछताछ के दौरान बुला लिया, उनकी कार्रवाई जारी है। देखिए मैंने बता दिया, ये गिरफ्तारी एक फेक गिरफ्तारी है, बिना FIR के तहत कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। आज सुप्रीम कोर्ट में धारा 35 के तहत आज चुनौती हम लोगों ने दिया है और इस और पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को केजरीवाल को वहाँ से छोड़ देगी। लेकिन आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, उसमें आप प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से और उनकी पार्टी से डर चुकी है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। भगत सिंह के सिपाही हैं, भगत सिंह सिपाही के लोग न डरते हैं न रुकते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आप प्रदर्शन कर रहे हैं राजधानी लखनऊ में। आचार संहिता लगी हुई है तो क्या इनको नहीं दिखता है? जब जब देखिए माहौल कौन खराब पड़ता है, माहौल खराब करने का काम केवल आम आदमी भारतीय जनता पार्टी करती है। जब तुम जानते हो देश में चुनाव चल रहा है तो तुमने क्यों तुमने गिरफ्तार किया राष्ट्रीय स्तर के नेता को? पंजाब में भी आपकी सरकार है, उसके बाद पंजाब में भी प्रदर्शन जारी होगी। रिहाई नहीं होगी तो आम आदमी पार्टी का पूरा एक एक कार्यकर्ता और छात्र विंग और युवा विंग पूरे पूरे प्रदेश के अंदर जोरदार विरोध करेगी और जेल भरने का आंदोलन करेगी। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं ये कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, इनको भर लिया गया है बसों में। पुलिस प्रशासन ने इनको बैठा दिया यहाँ से इको गार्डन भेजने के लिए, बसों में भर दिया गया। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग
बसों में मौजूद है, भारी पुलिस बल मौजूद है और इनको यहाँ से बसों में ला के इको गार्डन के लिए भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ एनटीवी न्यूज़ 24 से समीर खान, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।